स्वागत है आप सभी का छोटू यादव फिटनेस में। आप देख रहे हैं छोटू यादव फिटनेस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम करेंगे डंबल से वर्कआउट, फुल बाइसेप फुल बॉडी वर्कआउट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लगाएंगे कुछ आपको इस तरीके से, जैसे आपके बाइसेप्स को मोटा और तगड़ा बनाना है तो आप ज्वाइंट करके इस तरीके से कर सकते हैं। ये ज्वाइंट करके आपको इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये स्लोली स्लोली आपको ऊपर नीचे करना है। ये 50, ये हमारा हो गया शोल्डर के लिए, ये हमारा हो गया बाइसेप्स के लिए। और बाइसेप्स को आपको चौड़ा करना है तो इस तरीके से आपको करना होगा। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से देख लीजिए एक बार। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा हो गया बाइसेप्स छोटा चौड़ा करने के लिए। आपको अगर जो आपको अच्छे से वर्कआउट अच्छे से घर पर ही करना है आपके, और आपके बाइसेप्स को गोलाई लेना है तो इस तरीके से आपको पहले आपको बिल्ट होना है इस तरीके से। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50, ये हमारा हो गया बाइसेप गोल करने के लिए। और अब हम करने वाले हैं शोल्डर वर्कआउट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम करेंगे शोल्डर के लिए इस तरीके से। पहले आपको इस तरीके से इस हैंड से लगाने लगा है, और इस तरीके से ये आपके कंधे से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका एल्बो। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इस हैंड से लगाएंगे अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा हो गया शोल्डर के लिए। अगली एक्सरसाइज हम लगाएंगे, अगर जो आपको घर पर ही अच्छे से वर्कआउट करना है, अच्छे से डाइट लेना है, अच्छे से वर्कआउट कम से कम 3 रिपीटेशन आपको लगाना है, 12 से 15 रैप होने चाहिए, अच्छे से स्लोली स्लोली आपको परफॉर्मेंस करना है। और इस तरीके से हम करने वाले हैं ये। अब इस तरीके से आपको आगे की तरफ, पहले हमारा हो गया अपर के लिए, अब मिडिल के लिए, फिर बैक के लिए करेंगे शोल्डर वर्कआउट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये देख लीजिए कैसे इस तरह पेन करता है। ये 14 15 16 17 18 19 20, ये हमारा हो गया शोल्डर के लिए। और अब मिडिल के लिए हम कर लिए, अब करेंगे बैक के लिए शोल्डर। ये आपको इस तरीके से बिल्ट हो जाना है। बिल्ट होने के बाद आपको इस तरीके से साइड से देख लीजिए एक बार। ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब सामने से देख लीजिए एक बार। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा हो गया साइड पार्ट के लिए, अपर पार्ट के लिए और बैक पार्ट के लिए। ये हमारा हो गया शोल्डर। अब हम करेंगे लगाएंगे चेस्ट वर्कआउट। इस तरीके से आपको लेट कर ये इस तरीके से करना है। ये 1 2 3 4,
आपको रेस्ट, आपके जिम नहीं जा पाते हैं, रेस्ट आपको बिल्कुल नहीं करना है और वार्म अप करना है, बहुत जरूरी है आपके वार्म अप को। ये इस तरीके से पेन होगा हमारे चेस्ट के, ये टेन 11, 12, 13, 14, 15, ये हमारा हो गया चेस्ट अपर के लिए। अब हम लगाएंगे इस तरीके से, आपको यहाँ गोलाई लाना है आपके चेस्ट को इस तरीके से ज्वाइंट करके, और इस तरीके से बैठ कर करिए भैया। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये हमारा हो गया अलग अलग दिखने के लिए चेस्ट वर्कआउट। अब हम करेंगे इस तरीके से फुल राउंड मोशन। ये इस तरीके से आपको ले लेना है। आप जिम नहीं जा पाते हैं किसी भी कारण, कोई भी कारण हो सकता है आपके घर परिवार में, और इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ आपको। और 1K सब्सक्राइबर जरूर पूरा करिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। इस तरीके से चलिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये हमारा हो गया अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट और लोअर चेस्ट के लिए सब हो गया अच्छे से वर्कआउट। एक बार मैं ये दिख नहीं रहा है आपको, इस तरीके से दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से देख लीजिए एक बार ये। चलिए अब हम लोग लगाएंगे बैक के लिए। आपको अच्छे से दीवार या कोई भी चीज, आपको तख्ते पर या बैक कोई भी चीज आप ले सकते हैं। और चलिए पीछे पीछे जाइए, इस तरीके से आपको पकड़ के ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये हमारा हो गया चेस्ट के लिए वर्कआउट इस तरीके से। अब हम लगाएंगे इस तरीके से, इस हैंड से लगाएंगे। चलिए इस तरीके से आपको तखत पे या कोई भी चीज़ आप दीवार पर कर सकते हैं, घर पर ही कर सकते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, आपको यहाँ स्क्रीज करना है ताकि आपके चेस्ट का अच्छे से राउंड अप बने। ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए अब हम लोग लगाएंगे सिक्स पैक वर्कआउट। चलिए इस तरीके से आपको लेट जाना है और पहले हम लगाएंगे इस तरीके से, ये हैंड हाथ पीछे करके, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये हमारा हो गया सिक्स पैक वर्कआउट। और अब हम लोग लगाने वाले हैं साइड के लिए ये चीज लगाने के लिए। इस तरीके से आपको ये इस तरीके से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये हमारा हो गया इस तरीके से साइड पार्ट के लिए। अब हम लोग लगाएंगे फिर से ये रनिंग सिक्स पैक, ये इस तरीके से आपको लेट के, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 20, आपको 3 सेट लगाने होंगे
और कम से कम 12 से 15 रैप होने चाहिए हर एक सेट में। चलिए, और जो इतने लोग भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चलिए 1K सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। चलिए, धन्यवाद।